नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभेंदु। नमस्कार, हाउ आर यू टुडे असीम? आज भारत हर एक दिन आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद देश के दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ, जी हाँ, तकनीक का क्षेत्र भी उनके सपने को पूरा करने में जी जान से जुटा हुआ है। उन्हीं में से एक है माइक्रो प्रोसेसर का क्षेत्र। हाल ही में देश में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। ये चैलेंज ऐप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है, जिसमें कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं और देश को विकास के रास्ते पर शुभेंदु आगे ले जा सकती है। एब्सोल्युटली, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत, दिस चैलेंज वाज लॉन्च्ड अर्लियर दिस वीक। नाउ द चैलेंज इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फर्दर इंपेटस टू स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप, इनोवेशन एंड रिसर्च इन टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। द चैलेंज इज इनवाइटेड इनोवेटर्स, स्टार्टअप स्टूडेंट्स टू डेवलप सॉल्यूशंस ऑन टू इंडिजिनसली डेवलप, दीस आर इंडिजिनस डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर्स सेम बिल्ट बाय आईआईटी मद्रास and CDSE. It will also help realize the ambition of self-reliant India. That's the focus of this program also today in our show. We'll deliberate on the scope of this challenge and its widespread application and the larger potential of India's startup, electronics and IT sector. Three eminent guests are joining us for this program today. Let me introduce you to the guests who are joining us today. Ajay Prakash Sawhney, Secretary, Ministry of Electronics and IT. Hemant Darbari, DG, CDSE. And Professor V. Kamakoti, Associate Dean, IIT Madras. Warm welcome to all the guests joining us in the program. बिल्कुल, लेकिन अजय प्रकाश जी, मैं आपके शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सर, ये जो जिस इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की गई है, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के सेक्टर में हम नए टेक्नोलॉजी, नए हार्डवेयर के साथ आगे आए और भारत की जो डिपेंडेंसी है अभी फॉरेन मार्केट्स पे, वो बहुत कम हो सके, इसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस इनोवेशन चैलेंज को लेकर और इससे भारत को क्या कुछ सफलता हासिल होगी? सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? अजय प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अजय प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम अजय प्रकाश जी के पास दोबारा जाएंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ जो बाकी दूसरे मेहमान हैं, हमारे साथ हेमंत दरबारी हैं, जो कि डीजी हैं सीडैक के, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सीडैक का रोल, खासकर जब हम जानते हैं कि अब तक भारत ने जो देसी माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं, उसके बाद से हम अगला फेज अब ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब नए इनोवेशन कीजिए, नए हार्डवेयर और नए माइक्रो प्रोसेसर के जरिए नई नई चीजों को इनोवेशन कीजिए, भारत कैसे इस चैलेंज को लेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा? बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो चैलेंज हम लोगों ने शुरू किया है, इसके अंतर्गत आईआईटी मद्रास ने और सीडैक ने जो प्रोसेसर बनाए थे, उसके अराउंड बहुत सारे एप्लीकेशंस को बनाया जा सकता है जी। जैसे स्मार्ट सेंसर्स हैं, स्मार्ट सुपरविजन सिस्टम्स हैं, मल्टी प्रॉम्प्टर्स हैं, स्मार्ट होम्स जो हमारे बन रहे हैं, मोटर कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, हाई परफॉर्मेंस एम्बेडेड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात अगर हम करें, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, स्मार्ट एनालिटिक्स बनाए जा सकते हैं, ऑटोनोमस मशीन्स हैं, मीडिया सर्वर है, इस तरीके की चीजें जो हैं, जो सारी इन प्रोसेसर्स के माध्यम से बनाई जा सकती हैं जी। जी सर, अश्व जो हमारा प्रोसेसर है जी, वो सिंगल कोर है, ड्यूअल कोर प्रोसेसर जो है वो हमारा ध्रुव है, और क्वाड कोर प्रोसेसर धनुष है। ये तीनों प्रोसेसर को हम लोगों ने ओपन चैलेंज में डाला है और लोग इसके अराउंड बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इन सारे एप्लीकेशंस को इवेल्युएट किया जाएगा और उसको अगले लेवल पे लेके जाया जाएगा। जो मिशन है हम लोगों का, वो है टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट यूजिंग इंडिजिनस डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड कंपोनेंट्स। राइट, RISC-V बेस्ड प्रोसेसर जो है वो हम लोगों ने इंडिजिनसली बनाया है,
सिंगल डुअल और क्वाड कोर, और ये एम्बेडेड क्लास ऑफ प्रोसेसर्स हैं। इसके अलावा हम लोग आर्म बेस 96 कोर का एसपीसी प्रोसेसर भी बना रहे हैं, और इसके साथ साथ एआई एक्सेलरेटर प्रोसेसर बना रहे हैं, और इन एआई एक्सेलरेटर प्रोसेसर और एसपीसी प्रोसेसर को मिला करके एक एसपीसी एआई कन्वर्ज प्रोसेसर बना रहे हैं। इस तरीके का हम लोगों का एक रोड मैप है, और इसमें हम ये चाहते हैं कि भारत और सारे लोग थ्रू आउट द ग्लोबली मिल करके और इन चीजों को आगे लेकर के जाए। Right. Professor Kamakoti also is joining us from IIT Madras. Sir, in the course of this program, we'll try to also simplify a bit of electronic jargon. Professor Kamakoti, if you can tell us about how microprocessors, we understand, is a building block of electronic equipment. Sir, how significant a milestone it is to have a microprocessor, two of them, developed indigenously in the country. What does it mean for the country in research? As electronics is now becoming all pervasive into human life, right from very, very small things like a washing machine to a supercomputer, we have one component inside every electronic system, which would be the brain of the electronic system. And that brain is the one which is to be programmed. Essentially, you talk to the brain as a human being, you talk to the brain and say, hey, do this activity, don't do this activity. So this programmable entity is called the microprocessor, which basically controls the system in the way we want the system to work, right? And so as we see now, we are having requirement for these type of programmable entities, right from a washing machine to a surveillance camera to a point of sale terminal to even electronic voting machine, industrial controllers, your mobile phone, laptop, desktop, to supercomputers. So each one of them require a different class of processor or a different family of processors. The one that you use in small systems would be tiny processors, which Darbariji mentioned as embedded class processors. Then you need something at the, say for example, a surveillance camera. Right? You need a slightly advanced processor which can do certain controllers, control activity. And then when you look at the supercomputing or high performance, then you need a very high-performing processor in the sense it does lot more computation, it does lot more of artificial intelligence and machine learning type of computation. So you need those type of accelerators at the high-performance computing side. So the entire effort which has been funded by MIT under the microprocessor development program involves developing a family of processors that can cater to every need of our country. And this program started around 2017, and in the last three and a half years, yes, we have made significant progress in this, wherein we have developed several versions of these microprocessors, right from the embedded system to a microcontroller level. And now we are also moving towards the mobile chipsets and the laptops and desktops and the supercomputer. So the importance of this to Atmanirbhar is that this programmable entity has is the most important crucial component, specifically from a security perspective, because today we are looking at a lot of cyber attacks, we are looking at a lot of data leakage, and we need to protect our data, etc. And also in our strategic needs, we need lot of functionalities that need to be secured, and we need to be doubly sure that there will not be any malicious attempt to do some malicious attacks and cyber attacks in the system. So this programmable entity becomes extremely crucial from a national security point of view. And that is where the first Atmanirbharta comes. When we develop our own processors, we are sure that the electronic component cannot be programmed in a way in which we don't want it to work. And that is the first one. Second one, India has very, very big potential. Next to oil, electronics import is the bigger one now.
कामकोटी जी, जो आप बात कह रहे हो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि हमारे साथ जो सचिव है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में अजय प्रकाश सानी जी, वो भी जुड़ गए हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंच पा रही होगी हम उम्मीद कर रहे हैं। अजय प्रकाश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सर, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये एक चैलेंज है और स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का, तो इस वक्त सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, इसका पूरा इको सिस्टम क्या है सर, और ये जो चैलेंज हम कह रहे हैं इससे भारत इंडिया क्या कुछ हासिल करने वाला है। ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का एक भाग है जिसमें कि तीन इंस्टीट्यूशंस हमसे जुड़े हुए हैं जी। इसमें आईआईटी मद्रास, सीडैक जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिनके के बहुत से ब्रांच लोकेशंस भी हैं, और आईआईटी बॉम्बे। तो ये सब मिलकर माइक्रो प्रोसेसर्स की डेवलपमेंट करने में जुटे हुए हैं जी। 2018 में ये प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ जो कि करीबन 300 करोड़ का की लागत का प्रोग्राम है, और उसमें ऑलरेडी कुछ अच्छे प्रोसेसर्स के डिजाइन्स बनकर उभर कर आए हैं जो आईआईटी मद्रास ने बताया, प्रोफेसर कामकोटी ने बताया, उसके बाद डॉक्टर हेमंत दरबारी जो डीजी सीडैक हैं उन्होंने बताया, और इन प्रोसेसर्स का डिजाइन कर लिया गया है और फैब्रिकेशन आईआईटी मद्रास के शक्ति प्रोसेसर का भी हो चुका है, और जो सीडैक के द्वारा तैयार किए गए प्रोसेसर्स हैं वो तीन प्रोसेसर्स हैं जो कि अभी FPGA के रूप में मौजूद हैं, और विच मींस के वो बोर्ड के ऊपर उनको पूरा डिजाइन करके असेंबल करके और उनको टेस्ट कर लिया गया है जी। तो इस में अब इन प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किस किस चीज में किया जा सकता है। ऑलरेडी इन प्रोसेसर्स का इस्तेमाल कुछ एरियाज में हमारी इम्पोर्टेंट संस्थान बार्क और कुछ इसरो के द्वारा, कुछ और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑलरेडी उसको किया भी जा रहा है। अब इनको जो आम तौर में आम जिंदगी में उपयोग होने वाली एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग में, कमोडिटी अप्लायंसेस जैसे कि स्मार्ट अप्लायंसेस होती हैं, स्मार्ट फैंस हैं, कुछ लॉक्स हैं, कुछ वॉशिंग मशीन्स हैं, और कुछ स्ट्रेटजिक एरियाज में भी इस्तेमाल करने का इनका पॉसिबिलिटी है। तो इस चैलेंज के द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो रिसर्च ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, और जो छोटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, मीडियम कंपनीज हैं, ये सभी लोग सामने आए और इन प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करके अपनी अपनी डिवाइसेस बनाएं, अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनाएं, और उनमें हमारे साथ जुटकर और हमारे एक्सपर्ट्स की की गाइडेंस में इन प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे इन प्रोसेसर्स का डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होना शुरू होगा उससे हमारे प्रोसेसर प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा, और भारत के निर्मित प्रोसेसर्स भारत में उपयोग आने वाली बहुत सी यूज केसेस में इस्तेमाल हो पाएंगे। Right. Also, Mr. Ajay Prakash, from Prime Minister's Independence Day speech to the new education policy, a lot of emphasis on introducing innovation, appreciating, rewarding innovation in education. To what extent do you think this challenge is going to promote innovation culture in India? Because there is also very exciting prize money involved in this challenge as well, where students and startup entrepreneurs can take their work to the next level. A lot of funding is also involved for the best performing participants. In India, I think we are extremely focused on innovation at this point of time, especially the COVID situation and what we are planning for the post-COVID India.
actually involves tremendous amount of innovation. During this period, we have seen a period of the pandemic, we have seen amazing amount of innovation happen in the hands of people within the industry, especially startups. Also, many of our institutions or departments, agencies of the government have also got involved in this issue. For instance, you have seen the development of Arogya Setu, which happened very rapidly. And then we launched a challenge round for video conferencing solutions. Suddenly, video conferencing solutions became very important. And we launched a nationwide challenge round. And we found, you know, the amount of talent, the amount of potential that is there is extraordinary. We got more than 2,000 applications for video conferencing alone. And out of that, finally, we have arrived at, you know, we have gone through three rounds of selection. And finally, I think today in the afternoon, we'll be announcing the winner for that. And I'm very happy to indicate that it will not just be one. There are many which have come up. And soon we will have extraordinarily mature solutions coming from India. Similarly, we did an app challenge round. And we had around 7,000 applications of Indian apps that competed. And then 24 were announced as winners in this. So the innovation is everywhere. And as we move forward, we are also moving forward with the concept of national public digital platforms. National public digital platform, the very first one which our Honorable Prime Minister has announced on 15th of August, is the National Digital Health Mission, a platform which has become operational. Similar efforts are going to happen in agriculture, in education, in women and child development. And these are nationwide platforms which will create enormous scope for the youngsters, for startups, for the industry, for all government departments to participate, to innovate on top of what is already there. And it will involve use of not just software, but also electronics, a lot of hardware which acts as a vehicle for software solutions. And in this, you know, microprocessors play an extremely important role. And I think we are all geared up to take advantage of this extraordinary, huge amount of talent which is there in the country and help them succeed with innovative solutions. बिल्कुल, और इस तरह के solutions की जरूरत भी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस चैलेंज को आप स्वीकार कीजिए, भारत को आगे ले जाइए, जो जो डिपेंडेंसी है हमारी बाहर के देशों पे, उसको कम कीजिए, तो ये जो जवाब सर आप दे रहे हैं जयप्रकाश जी, वो बहुत ही सराहनीय है कि लगातार लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, युवा जुड़ते जा रहे हैं, एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश है। लेकिन हेमंत जी, चूंकि आप डायरेक्टर जनरल हैं सीडैक के, सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तक की जो स्थिति रही है भारत की, खासकर कितनी डिपेंडेंसी हम बाहर के प्रोसेसर्स पे और उसके एप्लीकेशंस पे हम डिपेंडेंट थे, और इस चैलेंज के बाद हमें जो सफलताएं मिलेगी, कितना कुछ अंतर होगा, कितना बेहतर होगा बाहर के मुकाबले? दो चीजें हैं सर। अभी तक जो हम लोगों का जो डिपेंडेंसी माइक्रोप्रोसेसर पे रही है, उसकी वजह से हम लोग जो इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट लेते हैं, उसके अंदर अभी देखा जाए तो सभी जगह विदेशी प्रोसेसर ही है। लेकिन ये जो अब हम लोगों ने काम किया है, इसको अगर हम यूज करना शुरू करते हैं, तो चाहे वो छोटे सेंसर्स हों जो कि आईओटी के अंदर यूज होते हो, आईओटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। बिल्कुल, बिकॉज सभी जगह वो सेंसर्स और वो लगेंगे, उनको हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके बहुत सारे डिसीजन लेंगे, बिग डेटा एनालिटिक्स करेंगे उसके ऊपर। तो वो सारा जो काम पहले विदेशी सेंसर से किया जाता था, कुछ ये सारा हमारा अपने प्रोसेसर से और अपने सेंसर से रिप्लेस किया जा सकता है। उसके आगे अगर हम चलते हैं, तो जैसे मीडिया सर्वर्स हैं, मीडिया सर्वर्स में अगर हम लोगों के जो जो सिस्टम अगर हम बनाते हैं, और वो अगर डुअल कोर सिस्टम है या क्वाड कोर सिस्टम है, तो वो एट पार टू नॉर्मल सर्वर के आसपास आ जाता है। तो 64 बिट
क्वाड कोर प्रोसेसर अगर हमारा अभी चल रहा है वही सिस्टम हम लोगों ने अपना बना लिया है जी, तो वो रिप्लेस हो सकता है। इसके बाद और आगे जाएं तो मेडिकल की जैसे बात अभी हम लोग कर रहे थे, सर ने भी बोला, सेक्रेटरी सर ने, कि हम लोग मेडिकल के एरिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हमने बहुत सारा काम किया हुआ है जो कि बहुत ही अग्रणी है, आगे की चीजें जो हम लोगों ने सोच के रखी है वो बहुत बड़ी है जो कि हो सकती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि जो भाभा ड्रोन है जो कि बार्क ने बनाया है सर जी, और सीडैक ने उसका जो सॉफ्टवेयर है ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर सीडैक ने बनाया है, वहां पे भी ये प्रोसेसर लगाया जा सकता है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो अभी के प्रोसेसर जो कि आर्म बेस होता है, आर्म की जगह अपना प्रोसेसर लग जाएगा, तो ट्रूली इंडिजिनस भाभा ड्रोन कैन बी मेड। एंड इन दिस होल प्रोसेस व्हाट विल हैपन इज ये प्रोसेसर हमारा, सिस्टम हमारा और सॉफ्टवेयर हमारा, और ये सॉफ्टवेयर और ये पूरा सिस्टम जब बन जाता है तो ये हम बेड साइड हॉस्पिटल्स में लेके जा सकते हैं। अभी कुछ ही जगहों पर कैंसर रेडिएशन थेरेपी के लिए जो हम लोगों के ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम्स है वो है और वो बहुत महंगे हैं, जितने विदेशी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत बहुत महंगे हैं। उन चीजों को अगर हम देखें तो इस तरीके से हमारे बहुत 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 सारी चीजें जो है वो हमारे इस हम ला सकते हैं। एक और चीज हम सीडैक ने बनाई थी जो डिजिटल हियरिंग एड की बात हम कहते हैं, उसके अंदर हम लोगों का पूरा अपना डिजाइन था, अपनी एसिक बनाई थी, और हियरिंग एड अभी हमारे लाखों में बिक रही है, और जो बाहर की जो कंपनी है जो कि उस चीज को हमको 10,000, 12,000 या 15,000 में देती है वो हम लोग 3,500, 4,000, 2,500 के बीच में बेचते हैं। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखते हैं, और इसके अंदर से नए नए जो इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के अगर हम चीजें बना करके और सामने ला सकेंगे तो वो भारत की जनता और विदेशों में भी उनको लेके जाया जा सकता है। Right. Professor Kamakoti, if we can come to you, sir. Also help us understand what did it mean to develop microprocessor indigenously? What was the development journey like when Prime Minister says that Atmanirbhar Bharat means not just to fulfill one's own demand, but also create and manufacture for the world? How does this manufacture these two microprocessors stack up to say the best in the world? And also this challenge, will this help you in some way evaluate the potential of these two microprocessors? Professor Kamakoti? Absolutely. So, design of a microprocessor involves three major stages. The first stage is we need to describe the design as a software. So that is called the front end and back end design, where we describe our microprocessor to a set of tools, and then there is a mask that is made. Now this mask is sent to a fabrication unit where it is fabricated. That's the second stage. And after fabrication, we need to put it on a motherboard. We need to design a motherboard, put the processor on the motherboard, and then boot up the system. So there are three distinct phases that is involved in a microprocessor design or any semiconductor electronic design. What we have achieved through two tapeouts that we have done at the semiconductor laboratory Chandigarh is the design has been done in India within the academic institutions. The fabrication has been done in Chandigarh, and the board, the motherboard, has been designed in India, fabricated in Bangalore here, and then the chip that has been fabricated in Chandigarh has been booted on this particular board. And so this presents more than the entire effort, what we have achieved is an ecosystem which can support this entire design process. And that is what we have achieved in the first phase of this microprocessor development program. I should also add here that as early as 2000, the Ministry of Electronics has started what we call as a special manpower development program, SMDP, in the area of design of semiconductor electronics. I joined as an assistant professor in 2000, and I must say that my entire career has been built upon this SMDP program. So are many of the VLSI professors and scientists in the country today. So what that, why it is important is because that gave an opportunity for all the academic institutions to basic and institutions like CEDAC who are also running courses
सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑन द VLSI डिजाइन जी एवर एबल टू बेसिकली गेट यू नो एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास और उन्हें जिस तरह के कोर्सेज हाँ आप सर जो बता रहे हैं उनके जरिए उन युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा और किस तरह से इसकी ये प्रोसेस सारा आगे बढ़े इसके लिए बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। लेकिन अजय प्रकाश जी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ही रिमोट एरियाज में भी बैठे हैं और वो इस कार्यक्रम को देख पा रहे होंगे, उनकी भाषा में बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं आपसे जानना चाहूं और आप हमें अगर समझा सकें कि इस वक्त जो चीज़ें हैं और हम जिस तरह से कह रहे हैं कि हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, हम उससे नए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, नए हार्डवेयर्स बनाएंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, अभी तक के जो हमने अनुभव देखे हैं उससे किन मायनों में वो बेहतर होगा? और सर चूंकि परचेजिंग जो पावर कैपेसिटी है भारतीय की, उस लिहाज से भी उन प्रोडक्ट्स के जो जिसमें कि चिप स्वदेशी लगा होगा, प्राइस कॉम्पेटेबिलिटी के लिहाज से भी उसे आप कैसे देखते हैं? आजकल जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत भारी मात्रा में आना शुरू हो गया है जी। जो इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले हम समझते थे कि एक वर्टिकल सेगमेंट है जिसमें कि हम क्लियरली कह सकते थे कि ये चीज इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये चीज इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जी। अब अगर देखें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आना शुरू हो गया है। जो हम किसान जो इंक्रीजिंगली कई सेंसर्स का और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत महत्व है। घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज़ें, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल, जो पहले इलेक्ट्रिकल माना जाता था, बिजली सिर्फ वो जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व नहीं होता था, उन चीजों में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक आना शुरू हो गया है। लेकिन सर ये वायबल हो, लोग उसे खरीद सकें, मेरा सवाल ये था कि पॉकेट उन्हें अलाउ करे कि वो खरीद सके उन सामानों को, तो वो करने के लिए तो हमें और भी ज्यादा जरूरी है कि हम भारत का डिजाइन रखें हाँ। और भारत में इसको निर्मित करने का प्रावधान करें और उसको इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके ढूंढें, ताकि भारत में बने हुए प्रोसेसर जब भारत के लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजों में आएंगे जी। तो हमारी जो देश का जो साइज है उसकी जो डिमांड है वो जब एकत्रित होगी तो हम बहुत सस्ते में ऐसे प्रोसेसर बना पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज का बहुत महत्व है, साइबर सिक्योरिटी का। अगर हम बाकर के प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जब हमारे खुद के बनाए हुए प्रोसेसर्स के डिजाइन होंगे, खुद के बनाए हुए प्रोसेसर्स होंगे, खुद के बनाए हुए डिवाइसेस होंगे जो कि हर तरह की चीज में इस्तेमाल हों, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पूरा सुरक्षित है और ये हम सारी देश में भी इस्तेमाल करें तो हम बड़े खुशी से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, मिस्टर हेमंत दरबारी, इफ आई कैन टर्न टू यू सर, Professor Kamakoti made an important point about security, cyber security concerns earlier. Now, again, to simplify it for our viewers, when the technology is indigenously developed, when the microprocessor is indigenously developed, to what extent does it also ensure a security of the device, cyber security? We're witnessing a digital revolution in the country. It also makes the digital space vulnerable with so many stakeholders coming in. How does indigenous development of technology sort of pushes the safety and security aspect of the cyberspace and the technology that we're using? Yeah, I think security is paramount, because what is happening is that whenever we take any equipment from abroad or whatever, another vulnerability and vulnerability tests we do, yeah, we don't know where exactly we land. Sometimes the foreign vendors are not even allowing you to do the pure security test, and those things are not possible. But if it is done indigenously in India, then that can be done. The cloning is another point which is to be very effectively seen, that cloning of these type of things cannot be done. That is one major area in which CDAC is also working on. So when we are designing our processor, we are also having a large chunk of research going on, that how we can prevent
cloning of the own stuff. Because what happens is that whatever the core part which we are going to develop, that if it is cloned, and then you cannot say that this is what exactly is the authentic system or this is not. I also ask this question, sir, in the context of how recently we know apps developed by a certain country have been questioned. In India, they've been banned. In America, they've been questioned. So in that sense, also, cyber security is a primary concern for the nation going forward. Yeah, so you don't know what are the loopholes there, how the things are, and how the things have been transmitting things anywhere else. So data privacy and data security becomes very important. Being our own system, this becomes very important, because then the hackers can attack on that part and get the access to the systems. And then finally, we have the software security is one aspect. The hardware also becomes vulnerable. So that is one part. For example, suppose if we have a very good application which have been developed into the agriculture domain, where the greenhouses are networked. And greenhouses can very effectively bring the all the parameters to a database and all those things, trying to see how those things can be answered. And if one greenhouse is yielding better results versus the other one, the same parameters can be set. Now, if you see the vulnerability part, if someone wants to see that this thing doesn't work, then they can attack on the system, and they can have the malefied intentions. Then they can change the whole parameters from everywhere, from anywhere. So I think the vulnerability, as we move on to the electronics and the automation, so these vulnerabilities are very, very important to be catered for. And even like Industry 4.0, if we see that when the things are all electronically or automatically controlled, so these parameters which are there, they are very important. And if we can have a hang on that, or hacker hacks on it, then it becomes very vulnerable. If our own design is there, own development is there, developed by us, then that becomes very that much secure. बिल्कुल, उस पर एक विश्वास भी होगा, चूंकि हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया है. लेकिन अजय प्रकाश जी, चूंकि इस तरह के माइक्रोप्रोसेसर जो चिप्स हैं, उनके जरिए जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, चाहे वो हार्डवेयर की बात कर लें, सॉफ्टवेयर की बात कर लें, उसके जो डिमांड्स हैं, हम तो जानते हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बढ़ेंगे, लेकिन वो ग्लोबली कितना कॉम्पिटिटिव होगा, उसके रिक्वायरमेंट्स ग्लोबली कितने होंगे, ये भी बहुत अधिक डिमांड करता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी जो फाइन क्वालिटी है, उस पर डिपेंड करता है. इसको कैसे देखते हैं आप? अभी ये हमारे लिए शुरुआत समझनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने आज के दिन दुनिया भर में बहुत से प्रोसेसर्स डिजाइन होते हैं और निर्मित होते हैं, और हम रोजमर्रा में जो हमारे इस्तेमाल में डिवाइसेस आते हैं, उनमें सभी में बहुत से प्रोसेसर्स का इस्तेमाल होता है जी. तो भारत में ये अभी हमारे लिए एक शुरुआत माननी चाहिए कि हमने अपने प्रोसेसर्स का डिजाइन करना शुरू किया, उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन प्रोसेसर्स को आगे चल के भी डिजाइन करते जाएंगे. जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर सक्सेसफुली डिजाइन होंगे, उनको हम फैब्रिकेट कराकर और उनको इस्तेमाल में लाएंगे, और स्पेशली जहां पर हमें सिक्योरिटी का ज्यादा रिक्वायरमेंट बहुत अहम है, वहां पर खास तौर पे हम भारत के निर्मित प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे. ये अभी भारत का ही जो मार्केट है वो बड़ा भारी और बहुत बड़ा मार्केट है, और अभी तो हम बिल्कुल उसकी शुरुआत ही है कि हमारे प्रोसेसर्स ने भी इसमें आना शुरू किया है. आगे अभी चल के हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम एक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ हमारा सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं. जब हम सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिक से कंबाइन करते हैं, जब हम डिवाइसेस बनाते हैं, जब हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, सॉल्यूशंस जो कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. अगर किसान की प्रॉब्लम है कि भाई उसका इरिगेशन, उसका जमीन में पानी सफिशिएंटली आया या नहीं, वो सेंसर्स के रूप से
को अगर कोई डिवाइसेस उसमें मदद कर सकती हैं, तो वैसी डिवाइसेस जब बनेंगी तो हमारा पहले सबसे पहले हमारा मकसद है कि भारत की रिक्वायरमेंट्स में भारत की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली डिवाइसेस का निर्माण हो, उसमें भारत की सॉफ्टवेयर हो, भारत के प्रोसेसर्स हो और भारत के ही लोग इसको अपनी कंपनीज के द्वारा बनाएं और उसको आगे लेके जाएं। जब भारत की मार्केट को अगर हम सक्सेसफुली अगर हम सेटिस्फाई करेंगे जी। तो इतनी बड़ी मार्केट है और भारत की मार्केट में जैसे आपने ऑलरेडी कहा था कि एक प्राइस सेंसिटिविटी है, बिल्कुल, कि वो कब प्राइस पर जब कोई चीज सक्सेसफुल होगी तभी वो भारत की मार्केट में सक्सेसफुल होगी, और जो चीज भारत की इतनी बड़ी मार्केट में सक्सेसफुल होगी उसका फिर बाहर की मार्केट्स में सक्सेसफुल होना होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी राइट। प्रोफेसर कामागोटी, इफ वी टॉक फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, यंग इनोवेटर्स पर्सपेक्टिव, whether it's the development of the microprocessor or this microprocessor challenge, the application part, how have the opportunities increased for young students? You know, you are at IIT Madras. A lot of time reference of IITs in many premier institutions comes up in the sense that students go abroad, become heads of technology giants. But today it's wonderful to talk about IIT and also CDAC, about indigenous technologies and students competing in India to secure our technological infrastructure. But in recent years, how has the scene changed? You yourself have been part of the research. Give us a picture of that for young students. Absolutely. So the scene has changed quite significantly. We see a lot of startups coming up, a lot of entrepreneurship efforts that have been taken. Many of our students are now heading startups. There are more than 200 startups in IIT Madras itself. Putting all IITs together, we have already crossed 1,000 startups, and many have been successful. Coming specifically to the microprocessor, the microprocessor challenge that we are offering, these microprocessors are, many of them are in open source. So this gives them completely encumbrance-free way by which they can start using the microprocessor and start building applications on top of it. Compared to a commercial microprocessor, if they had to do a similar development, especially as we are seeing, we are having good applications from agriculture to many different domains today. Agriculture, security, aerospace, automotive industry, and each one has a different requirement from a processing perspective. So this open source sort of effort gives these students and the entrepreneurs to quickly modify this microprocessor to suit their need. So they can cut off one peripheral, they can add another peripheral, they can make their microprocessor of their choice. And this gives a very big opportunity for them to make their own products. Specifically, when we come to this challenge here, we have announced 6 different microprocessors between CDAC and IIT Madras. And this is on a configurable platform, namely what we call as an FPGA. So depending on the application that they have in mind, and we have also listed a set of applications running across multiple domains, around 16 to 20 domains. Right. And depending upon the application, they can cut the microprocessor, they can add more peripherals and make their own chips. Right. And this is how this becomes extremely important. Right. Hemant Darbaraji, a little more if you can focus on the application of these microprocessors, coming really to the microprocessor challenge that is thrown open for young innovators. Prime Minister, in his Independence Day speech recently, also spoke about a grand, an ambitious plan of connecting all villages of the country through optical fiber network. Just to understand, in what manner, in terms of scale, in terms of diversification, how do you see the digital revolution reaching every corner of the country, and therefore how do these indigenous manufacturing, these challenges become more relevant in the current time? So I think from the education perspective, we see that a lot of education equipment can be created around these processors which we have been putting for open challenge. Lot of tablet-like systems can be built. These two things again can be very well integrated into the whole environment. The systems which we are going to provide at the village level
the networking which is going to be available, the multilingual becomes very important. And all these places, the language if is of your own, then a lot of applications will have a lot of meaning, because if the data is available in English, then the vernacular languages becomes very important. So what we can do is that we can create environments in which this local language support can be given, and education can get benefit of that. So like a lecture which is given in IIT, professor is given, that can be made available into multiple languages in their own state or in their own village. So you're saying that perhaps a far off village who have not sort of been exposed to technology, they'll be able to access technology and processes perhaps in their own local language. That'll be a possibility with this. Yes. And the thing is that for that, the tablet which we are going to create, that can be again a low cost tablet using our own processor. That's how I was trying to link the two things together. Similarly, this surveillance part, if you see, like we are talking about smart cities and safe cities, which you are talking, there the surveillance camera, which is there, they are now coming up with a lot of AI component into it. And this AI and this thing is done at the local level, at the camera level itself. So the bandwidth which is going to be used is much lesser than what exactly is a raw feed transformation. So now what we can do is that if these AI processors are built into these cameras, which are coming out, many cameras that are available, but they can be replaced with our own solutions or our own processors. So like, that's the next stage of thing where we can reach to the masses. So these are the two things which I could see right now that can be the major game changer in the whole process. Okay. Lekin Ajay Prakash sir, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे हम किसानों के संदर्भ में कहते हैं ना कि लैब टू लैंड, कि जिस तरह की चीजें इनोवेशन लैब्स में हो रही हैं, उसका फायदा, उसके जो फ्रूट्स हैं वो किसानों तक पहुंचे, लैंड तक पहुंचे, इसी संदर्भ में अगर मैं ये आपसे सर जानना चाहूं कि इस तरह की जो इनोवेशंस हो रही हैं, या सीडैक की बात कर लें, IIT मद्रास की बात कर लें, या फिर इस तरह के और भी जो संस्थान हैं जो इस तरह के इनोवेशन में लगे हुए हैं, इसका फायदा रूरल स्तर तक, गांव के स्तर तक पहुंचे, जो शहर हैं, जो स्टेट्स हैं वहां तक पहुंचे, वहां के छात्रों तक पहुंचे, विद्यालयों तक पहुंचे, कॉलेजेस तक पहुंचे, इसको लेकर जो एक सिस्टम की जरूरत है, इस पे भी सरकार ध्यान दे रही है क्या? बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, और आज 2020 अगर हम देखें और इसको हम 20-25 साल पहले के समय से कंपेयर करें, तो एक बहुत बड़ी चीज भारत में हुई है, वो ये कि बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस जो कि सिर्फ गिनती में कुछ ही होती थी, अब हर स्टेट में, हर प्रांत में, छोटे छोटे शहरों में भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस आ गई हैं। IIT का नंबर बहुत बड़ा है, IIITs का नंबर बहुत बड़ा है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बहुत जगह एस्टेब्लिश हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जगह हैं, और जो स्टेट के खुद के इंस्टीट्यूशंस रहे वो भी बहुत मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंचे हैं, और साथ में IIMs हैं, एम्स हैं, तो इनसे ये हुआ है कि हर राज्य में बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट क्वालिटी है, प्रोफेसर क्वालिटी है, उससे जो भी वहां के आसपास में दिखने की जो दिक्कतें नजर आती है उनको सॉल्व करने के लिए, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो ये नहीं कि हम थ्योरेटिकल चीज को लेके और एक थ्योरेटिकल डिजाइन बनाएं, अब असल जिंदगी में जो जो दिक्कतें आती हैं, जो किसानों को दिक्कत आती है, जो आम जिंदगी में रोजमर्रा की जो दिक्कत है, जो पोल्यूशन कंट्रोल की दिक्कत है, जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, जो साफ सुथरा रखने की, स्वच्छता की जो दिक्कतें हैं, कई चीजों के लिए हम नई नई चीजें बना सकते हैं, और ना केवल हम बड़े शहरों में स्थित इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बना सकते हैं, बल्कि छोटे छोटे शहरों में, उनमें भी अब हमारे पास इस तरह का टैलेंट है, इस तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, कि हम कहीं पर भी वहां की दिक्कतें देखें, उनको सॉल्व करें, उनको सॉल्व करने के लिए जो हमारे हाथ में ताकत है, ताकत हमारे हाथ में क्या क्या है, हमारे हाथ में अपने प्रोसेसर, अपनी सॉफ्टवेयर, अपने बनाए हुए जो नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने बनाए हुए जो
जो माइटी स्टार्टअप हब है या स्टार्टअप इंडिया की तरफ से जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इनका इस्तेमाल करके जब हम खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो शायद ये बड़ा लार्ज वेव इनोवेशन का होगा और ये जमीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ जो किताबों में लिखी हुई चीजों पे काम नहीं करेंगे, हम जिंदगी से जुड़े हुए इश्यूज पर काम करेंगे और उसी में सबसे बढ़िया इनोवेशन होगा। और इसमें हमारे छोटे छोटे शहरों से भी लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए हम बहुत ही कोशिश भी कर रहे हैं और हम उनको हर तरह से सपोर्ट भी देंगे। ठीक है सर। अजय प्रकाश जी, वी लर्न फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज दैट फॉर अ थ्राइविंग innovation entrepreneur culture to exist, we also need a sustainable funding and support for entrepreneurs, for the young innovators. On that front, and also I'm talking in a time when we're dealing with a pandemic, it has an impact on the economy. People perhaps want to play safe. So the risk associated with innovation, because there are also chances of failure. What kind of funding support, what kind of infrastructure support, sustainable infrastructure support are we providing to our young innovators so that they can move forward with more courage, not worry about failure so much? Over the years, how has that improved, sir? हमारी तरफ से पिछले दो तीन वर्षों में खास तौर पर हमने हर जगह देश में बहुत जगह इंक्यूबेशन सेंटर्स को स्थापित किया है। ये कुछ तो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़े हुए सेंटर्स हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन से तक जो हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया हैं, कुछ बायोटेक की तरफ से, बायरेक की तरफ से सपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से सपोर्ट है। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स 100 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स तो हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश में हैं। 50 से ज्यादा हमारे ऑलरेडी इस तरह के सेंटर्स हैं और इनमें हर तरह का सपोर्ट यंगस्टर्स को मिलता है। अगर वो आईटी के साथ आए, अगर वो एक उनमें एक बहुत जुनून है कि कुछ करके दिखाना है, तो हमारी तरफ से कोशिश है कि उनको हर तरह का सपोर्ट मिले। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड का भी शुरुआत की थी, जिनमें बहुत सारे वेंचर कैपिटल फंड्स उसका इस्तेमाल करते हैं और वो जो भी बढ़िया आइडियाज निकल के आते हैं उनको वेंचर कैपिटल की तरफ से भी सपोर्ट करते हैं। और इस तरह का ये अभी मैं फिर अभी भी मानता हूँ कि जो भी हमने किया ये केवल एक शुरुआत है। और जिस तरह से स्पेशली जब ये पेंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है जो कि पूरी इकोनॉमी को झकझोर कर देती है, इस तरह का जब भी दुनिया में देखा गया कि किसी चीज ने एक पूरी इकोनॉमी को झकझोर किया जी। और उसके बाद इनोवेशन ही ऐसा रूट है, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा रूट है, नए विचारों का ऐसा एक तालमेल होता है, उनके सक्सीड करने की एक स्थिति पैदा होती है, वो मैं मानता हूं कि आज भारत में है और भारत में हम हर तरह से इसको आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। ठीक है हेमंत सर, हेमंत जी आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जिस तरह से अजय प्रकाश जी ने कहा कि फंडिंग की कोई इतनी समस्या नहीं है क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड फंड है जो कि इस तरह के जो उद्यमी हैं उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन सर मेरा ये सवाल ये है कि जिस तरह से गांव लेवल पे छोटे छोटे शहरों के लेवल जो हमारे पास टैलेंट्स हैं, खासकर उनमें एक रुझान भी होता है कि हम कंप्यूटर के फील्ड में जाएंगे और इस तरह के रिसर्च और इनोवेशन करेंगे, उन बच्चों के लिए सीडैक की तरफ से सर क्या कोई खास प्लेटफॉर्म देने की कोई बात की जा रही है कि उन टैलेंट्स को एक ठीक ठाक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी सोच को, अपनी जिज्ञासा को, अपने इनोवेशन को एक बिल्कुल ही सही प्लेटफॉर्म पर रख सके? जी, एक्चुअली हम लोगों ने एक मॉडल इवॉल्व किया था जिसको हम कोलैबोरेटिव इनोवेशन मॉडल कहते हैं जी, जिसके अंदर कि जो भी स्टार्टअप है, जो भी एजेंसी है या जो लोग इसके अंदर से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें वो अपने आइडियाज लेके आ सकते हैं और हम लोग कोलैबोरेटिवली कोई प्रोडक्ट या कोई सॉल्यूशंस निकालते हैं और उसको फिर हम लोग रेवेन्यू शेयर करके आगे लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और एक नया मॉडल है
जिसके अंदर के हम लोग बहुत फास्ट मोड में आगे जा रहे हैं जी। एक हम लोग अभी एआई को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि हमारा जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी अपना बिल्ड सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा जो सर्वर बोर्ड हमारा होगा हमारा ही नेटवर्क होगा तो पूरी पूरा जो जो सिस्टम बनेगा वो पूरी तरह से इंडिजिनस होगा। तो उस सिस्टम को हम लोग सब लोग जो भी स्टार्टअप हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनको सबको लिंक करके और हम ये फैसिलिटी उनको देना चाहते हैं और उसके ऊपर कुछ बहुत ही अगर छोटा चार्ज अगर किया तो क्या नहीं तो उसको देखा जा सकता। हाउ सो वी विल जस्ट हैव टू स्टॉप यू फॉर अ मोमेंट वी हैव टू गो लाइव ऑन एन इंपॉर्टेंट इनपुट कमिंग इन यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इज एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन स्वच्छता अभियान वी विल टेक यू लाइव टू द प्रोग्राम ऑन व्हिच ऑल द अदर स्कीम्स आर इन अ सेंस बेस्ड आई मीन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आवर स्मार्ट सिटी स्कीम एंड आई कुड गो ऑन एंड ऑन बट दिस इज रियली द फल्क्रम एंड दिस mission is clearly anchored